नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती राजेश्वरी अग्रवाल। मैं खैरागढ़ की रहने वाली हूँ। खैरागढ़ जो एशिया का एक प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वहाँ की मैं बहू हूँ। और मैं आप लोगों को आज कुछ अपनी जो कार्य है उनके बारे में बताना चाह रही हूँ। मैं RCET जिसका संस्था है उससे जुड़ी हुई हूँ, जिसका नाम है ग्रामीण महिला स्वरोजगार संस्था। तो इसके तहत हम लोग गाँव की सभी महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, और जो बेरोजगार महिलाएं हैं जो हैं उनको पहले ट्रेनिंग देते हैं, उसके तहत उनको स्वरोजगारित करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो खुद का अपना एक छोटा मोटा काम चालू करके स्वरोजगार अपना खोल सकती है। और उसमें उनको काम करने से अपने घर में छोटी मोटी कमियों को पूरी करने में बहुत अच्छे से उनको फायदा होता है। जिसके तहत इस संस्था के तहत हम लोग लगभग 35 बैचेस ऐसे हैं जो सिखाते हैं, जिनमें से पार्लर है, सिलाई है, मशरूम है, किसान कृषि फार्म है, और गोट्स पालन है, कस्टम ज्वेलरी है। और आपको बता दूं और बताते हुए मुझे खुशी हो रहा है कि कस्टम ज्वेलरी और सिलाई की मास्टर ट्रेनर मैं खुद हूँ। और इस संस्था से मैं लगभग 7 से 8 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। और छत्तीसगढ़ के लगभग पूरे RCET जो 18 RCET है छत्तीसगढ़ में, उनमें पूरे RCET में मैं जा चुकी हूँ। और हम लोगों को इस यह पूरा तरह से निशुल्क है। इसको ट्रेनिंग लेने वाले के लिए रहना, खाना पीना, आवासीय सब चीज़ रहता है इसमें। इससे किसी भी तरह का किसी भी ट्रेनी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सिर्फ उनको सेल्फ डिपेंडेंट करने के लिए हम लोग ये संस्था चला रहे हैं, जिसके संस्थापक हमारे माननीय डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े जी हैं। और इसके तहत हम लोग बहुत 1986 से यह संस्था चलते आ रही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे लाभ ले चुके हैं। मैं खासकर बात करूंगी उन महिलाओं की और उन लड़कियों की जो इससे बहुत सारी लाभ ले चुकी है। मेरे ही बैच की कई महिलाएं हैं जो मेरे स्टूडेंट थी, वो आज ट्रेनर के रूप में कार्य कर रही हैं, और अच्छे अच्छे उनका खुद का सिलाई का काम भी अच्छे से चल रहा है। ज्वेलरी में भी उन्होंने बहुत सारी अच्छे अच्छे काम करके अपना इनकम अर्न कर रहे हैं। आज के समाज में महिलाओं को खासकर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग सब यही चाह रहे हैं कि जब 100वां वर्षगांठ मनाया जाए आज़ादी का, तो सब महिलाएं, गांव की जो महिलाएं हैं, शहर की जो महिलाएं हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो चुकी रहीं। इसलिए हम लोग ये काम आगे से आगे बढ़कर कर रहे हैं। और नारी के बारे में तो कहा जाए तो पूरी लिखना और बखान करना कम पड़ जाता है। तो छोटी सी बात एक कहूँगी कि नारी अपने आप में एक संपूर्ण है, उसे कोई पूर्ण कर नहीं सकता। और सुबह से लेकर शाम तक नारी बाहर से लेकर घर तक पूरा काम स्वयं करती हैं। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें नारी टॉप लेवल पे ना हो। और नारी के बारे में बोलना तो बहुत आसान नहीं है, लेकिन एक चीज़ और ये है कि नारी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और यही बात हम अपने ट्रेनिंग के दौरान सभी महिलाओं और बच्चों को सिखाते हैं कि अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अगर एक छोटी सी चींटी पहाड़ पे चढ़ सकती है, तो नारी ही एक ऐसी शक्ति है जो कुछ भी कार्य करने में समर्थ है। धन्यवाद।